जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपको थंबनेल के अंदर दिख रहा होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर छोटे बच्चे तो क्या, बड़े बड़े बच्चे भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। बच्चों की तो बात अलग है, परंतु टीचर मतलब अध्यापक भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको आज हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब हल करेंगे। तो आ जाओ सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है 5 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 और भाग दे रखा है 3 की घात 2 दे रखा है, फिर गुणा ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है 10 प्लस 5 दे रखा है बच्चों। तो अधिकांश बच्चे मतलब 95% बच्चे क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड वहीं तक गया जहाँ तक उन्होंने प्रैक्टिस की है। ऐसे क्वेश्चनों की आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो सॉल्व करने की तो बात दूर है, परंतु आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए, चाहे ऐसे कुछ भी नहीं आए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको, अगर आपके साथ गलती होगी तो आपको कुछ नया सिखाएंगे, ठीक है ना। जब गलती होगी तभी आप नया सीखोगे, जो गलती होगी उसको सीखने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बच्चों, बिना देरी किए बिना अपन अगले पेज के अंदर चलते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और एक बात मैंने थंबनेल के अंदर लिख रखी है कि गणित से डरना मना है आपको, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत मज़ा आता है। एक बार मज़ा लेके तो देखो, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा। तो प्रैक्टिस मांगती है मैथ गणित, तो प्रैक्टिस करते रहो और मैथ का मज़ा लेते रहो। आ जाओ अगले पेज के अंदर बिना देर किए। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सभी आगे होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से डरना मत कभी, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए किसी से डरना मत, डरना मना है गणित से, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, 5 की घात 2 दे रखा है, ठीक है, प्लस दे रखा है प्लस, 3 की घात 3 भाग दे रखा है भाग, 3 की घात 2 क्या है 3 की घात 2, फिर गुणा, फिर क्या दे रखा है ब्रैकेट में 10 प्लस 5। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखते ही हल नहीं करना है, पहले इसके अंदर आपको देखना कि किस स्टेप से आपको सोल्व करना है, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा। अगर फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला लगाओ, कंसेप्ट है तो कंसेप्ट लगाओ, ठीक है ना। तो इसमें बोडमास रूल लगेगा, ठीक है, बोडमास कंसेप्ट। तो आपको क्या करना है, मैं साइड में बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन के साइड में कि बोडमास रूल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखते हैं बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो मैं आपको समझा दूंगा, पहले आपके लिए वो लिख दूँ बोडमास, बी ओ डी एम ए एस, तो ये बोडमास रूल होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, मैं जिस प्रकार यहाँ पे लिखाऊंगा उसी प्रकार क्वेश्चन कॉल करते जाएंगे। सबसे पहले अपन करते हैं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आप एक बार देखो इसमें ब्रैकेट है क्या, तो देखो बच्चों यहाँ पे 10 प्लस 5 की 5 है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, आंख बंद करके ब्रैकेट को सोल्व कर दो, हल कर दो, और जो दे रखा है उसे ऐसा का ऐसा लिख दो या छाप दो। अब देखो बच्चों इधर आ जाओ साइड में क्वेश्चन पे, तो देखो इस 5 का स्क्वायर है, इसको लिख दो ऐसा का ऐसा। अगर इसका स्क्वायर करना चाहते हो तो कर लेना पहले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिकांश बच्चे यहाँ भी कन्फ्यूजन हो रहे हैं, सर स्क्वायर करें या पहले सोल्व करें। स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास रूल नहीं लगाया अभी, ठीक है ना। तो अब देखो आगे, प्लस से प्लस, 3 की घात 3 है 3 भाग 3 की घात 2 गुणे, अब 10 प्लस 5 कितना होता है ये छोटे बच्चों को भी पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट है ना, इसके अंदर गुणा का चिन्ह है, इसके अंदर बाहर यहाँ पे डॉट है ना, यहाँ पे तो गुणा आ गया, 10 प्लस 5 15 होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। आगे देखो, अब आगे क्या करेंगे, आगे जो दे रखा है उसे लिख दो, पहले इसको सोल्व करो। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, प्लस
मैं चिन्ह नहीं बदला हूँ, ध्यान रखना। अगर चिन्ह बदलूंगा तो वोट मास रूल देखना पड़ेगा पहले। फिर क्या करना है, तीन की घात तीन कितना होता है, तीन की घात तीन होता है सर जी, तीन की टेबल तीन बार बोले तो नौ, फिर नौ की टेबल तीन बार बोले तो सत्ताईस, मतलब तीन की घात तीन, मतलब तीन को तीन बार गुणा करके देखना तो सत्ताईस आ गया। फिर भाग दर का भाग तीन की घात दो नौ होता है गुणा पंद्रह। अब यहाँ तक सबके समझ में आ गया, मैं इसी को ऊपर वाले को अच्छी तरह से लिखाऊँ इसको थोड़ा सरल करके, ठीक है। अब देखो अब बी के बाद में क्या आता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब का। तो आपको हिंदी के अंदर या इंग्लिश के अंदर कुछ दिख रहा है यहाँ पे, नहीं है तो हटाओ इसको भी। फिर आता है डी, डी का मतलब होता है डी, मतलब डिवाइड, भाग। तो भागों को कैसे सोल्व करेंगे, आगे देखो आपको देखना है पहले यहाँ पे भाग है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, ये रहा सर जी भाग, तो कर दो। अब देखो कैसे करेंगे, 25 को ऐसा कैसे लिख दो, 25 प्लस 27 लिखो, 27 गुणे लिखना। आप इस भाग को किस में चेंज करेंगे, भाग को गुणा में चेंज करेंगे, बदलेंगे। तो गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, ये 9 है ना, मतलब कोई भी संख्या हो तो वो भाग का आगे वाली कोई भी संख्या हो ना उसको उल्टा करके लटका देते हैं, ठीक है। तो इस 9 को उल्टा करके लटका दो, 1/9 लिख दो, फिर गुणा दे रखा है गुणा 15। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, एक बार अच्छी तरह से कमेंट कर दो एक बार समझ में आ गया हो तो। अब देखो आगे, आगे क्या करेंगे, जो कट रहा है उसे काट दो। तो 25 को ऐसा कैसा लिख दो, 25। अब देखो काटना है तो काटो पहले, 9 है, 9 से 9 एक 9, 9 3 27, तो यहाँ पे प्लस से प्लस लिख दिया। फिर 3 है 3, फिर क्या गुणा गुणा, अब 1 को 15 से गुणा करोगे तो 15, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही बोर्ड मास रूल लगाना है आगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी कठिन नहीं होगा, सब सरल होगा। तो अब देखो क्या करना है, प्लस और गुणा है तो क्या करना है, इधर देखो साइड में, फिर आता है मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो पहले क्या करना है, गुणा, इस गुणा को करो। तो 25 को ऐसा कैसा लिख दो, प्लस 15 के 3 से गुणा करोगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो एक चिन्ह दे रखा है उसको हल करना है। फिर भी अगर आपको देखना है बोर्ड मास में क्या करना है, फिर एडिशन मतलब जोड़, फिर सबट्रैक्शन मतलब घटाओ, ठीक है। मतलब बोर्ड मास कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन की जड़ तक जा सकते हो, ठीक है ना, और उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो क्या करना है, जो दे रखा है उससे ऐड कर दो, 25 45 कितना होता है, 70 होता है, ठीक है बच्चों, 70 मतलब 70। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 70 आपका राइट आंसर आ गया है बच्चों, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगा, जिसमें टाइम लगता है वही बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अब ये 5 मिनट के अंदर सोल्व हुआ ना क्वेश्चन, या आपका 20 सेकेंड के अंदर या 10 सेकेंड के अंदर भी सोल्व हो जाएगा। कैसे, वो आप प्रैक्टिस करोगे तब, 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना। फिर नहीं आए थोड़ा जहाँ पे डाउट लगे वहाँ पे उसको रोको वीडियो को, फिर उसको रफ कॉपी के अंदर सोल्व करो 3-4 बार। फिर जो स्टेप जहाँ पे आप रुके ना उसको एक बार गोला लगा लो, फिर वहीं से स्टार्ट दोबारा करो, फिर 5-6 बार करो, फिर करो, फिर उसको रफ कॉपी में करने के बाद फिर आप फेर कॉपी के अंदर करा करो, ठीक है। अब फेर कॉपी भी बनाना, अब कुछ बच्चे नहीं बनाते, मैं हर बार बोलता हूँ, 2-3 वीडियो के अंदर नहीं बोला तो कुछ बच्चे जब फेर कॉपी बनाना छोड़ दिए होंगे, ठीक है ना। ऐसा मत करो बच्चों, आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ मैं, अगर आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ तो मैं जो बोलता हूँ उस बात को मान लिया करो, कर लिया करो फॉलो। मेरा तो कोई कुछ नहीं जाता, आपका ही जाता है, क्योंकि आप जब फेर में करोगे ना तो आपका जब भी 1 साल बाद या 5 महीने बाद देखोगे ना क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ होगा, और उनको आप एक जगह देख लोगे। आप रफ कॉपी के अंदर कभी कबाड़ में भेज देते हो आप रफ कॉपी को, मुझे ध्यान है सभी कबाड़ में भेज देते हैं, कुछ भी काम में नहीं लेते। फेर कॉपी में ऐसे लगता है कि यार इसको नहीं भेजना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को अपने सोल्व कर लिया, अब बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी नहीं करा के मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब होमवर्क पे। तो बच्चों आ गए हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो इसको कैसे करना है आपको वो तरीका बता देता हूँ, वही तरीका है सेम टू सेम, बस थोड़ा सा चेंज है, बस चिन्ह भी वही है, थोड़ी सी संख्या चेंज हो सकती है, ठीक है।
ये तो आपको घुमाने के लिए देता है एग्जामिनर कि बंदा क्या कर रहा है। अगर मान लो आपको वही क्वेश्चन देता है तो आप सीधे आंसर वही छाप देते, सोल्व नहीं करते। तो बंदा क्या करता है एग्जामिनर, आपको सोल्यूशन करने के लिए देता है ज़्यादा। अब इनको सोल्यूशन को छोटा कैसे करें, आप देखो मैं आपको सोल्यूशन करने का छोटा तरीका भी बताता हूँ। देखो आपने प्रैक्टिस की है एक बार, ठीक है ना, इस क्वेश्चन की जो मैंने पहले समझाया था, ठीक है, उस पर का प्रैक्टिस की है एक बार, दो बार किया थोड़ा छोटा होगा, फिर तीन बार किया फिर छोटा होगा, पांच बार करोगे ना तो धीरे धीरे छोटा होता होता होता। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूँगा। देखो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, मेरे को पता है कि भाग सोल्व होता है, सॉरी ब्रैकेट सोल्व होता है, इसको कर लूँगा आठ लिख लूँगा, यहाँ पे गुणा है गुणा, फिर क्या क्या है मैं इसे दिमाग लगा लूँगा सीधी, फिर भाग ब्रैकेट के बाद में ऑफ ऑफ नहीं है, फिर भाग करते हैं, भाग कट गए इसे एक बार, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे गुणा, फिर चार का स्क्वायर सोलह होता है गुणे, तो गुणा 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 है सॉरी प्लस है यहाँ पे। तो अब देखो सोलह प्लस, अब इसको गुणा करते हैं डिवाइड के बाद में, मतलब भाग के बाद में गुणा, तो आठ, तो ये चौबीस आ जाएगा, सीधा सा आंसर है। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगा, अगर मैं अपने तरीके से करता ना तो दो सेकंड के आंसर अंदर भी आंसर लेके आ सकता था, ठीक है ना बच्चों। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करना, मैंने आंसर तो बता दिया, अब कोई बात नहीं आंसर बता दिया, अब आप इसको वही उस तरीके से ज़रूर सोल्व करना जो मैंने समझाया है ना, क्योंकि जब आप बड़ा तरीका करोगे ना तो छोटा तरीका आसानी से समझ में आ जाएगा, बनता जाएगा। आप जब बड़ा तरीका करोगे ना उससे आप छोटा बनाते जाओगे, ठीक है। धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, इस क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करना, ठीक है, टाटा बाय बाय।